हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए गाइज, आज की हमारी यम्मी यम्मी सी जो रेसिपी है वो है हांडी वाला शाही पनीर। देखिए, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को रेडी करके रख लिया है। देखिए गाइज, इस तरीके से हमने हांडी को गैस की फ्लेम कम करने के बाद इस तरीके से सुखा लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमने इसमें ऑयल की कोटिंग कर ली है। मैंने कुकिंग ऑयल का यूज़ किया है, मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। फिर हमने अपने ज़रूरत के अनुसार इस तरीके से ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने जीरा, करी लीव्स एंड साबुत वाली जो रेड चिली होती है, लाल वाली मिर्ची, इसमें ऐड कर ली है, आप देख सकते हैं। फिर गाइस, जब ये फ्राई हो चुका है तो हमने इसमें अनियन, गार्लिक, हरा धनिया का पेस्ट ऐड कर लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने पेस्ट में ग्रीन वाली जो मिर्च होती है इसमें ग्राइंड कर ली थी, आप देख सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। गाइज, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए गाइज, इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। आपको हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, आप देख सकते हैं। एकदम रफ तरीके से आपको इसको मिक्स नहीं करना है, जैसे आप नॉर्मली कढ़ाई में करते हैं। तो गाइज, अब हमने इसमें ऐड कर लेना है काजू बादाम का पेस्ट। काजू बादाम और टोमेटो का पेस्ट है ये, मैंने इस तरीके से इसमें ऐड कर लिया है। तो गाइस, शाही पनीर है तो इसकी ग्रेवी में थोड़ी थिकनेस लानी थी, तो थोड़ा क्रीमी टेक्सचर के लिए मैंने यूज़ किया है ये पेस्ट। बहुत ही यम्मी एंड स्पाइसी सा टेस्ट आएगा, आप देख सकते हैं। शाही पनीर मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया है, एकदम क्रीमी टेक्सचर इसका होता है, अभी आप देखेंगे। गाइस, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और हांडी में बनाने से थोड़ा टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है, तो आपको इस रेसिपी को ज़रूर घर पर ट्राई करना है। देखिए गाइस, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसी ही आसान सी रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। देखिए गाइस, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अब मैंने अपने किचन से ऐड कर लिए हैं मसाले, सॉल्ट, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, आप देख सकते हैं। मैंने ऐड कर लिया है किचन किंग पाउडर और साथ में ही मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी पनीर मसाला, आप देख सकते हैं। मैंने शाही पनीर मसाला इसमें ऐड कर लिया है। देखिए गाइस, इस तरीके से हमने सारे मसाले ऐड कर लिए हैं। आप जो भी मसाले यूज करते हैं आप ऐड कर सकते हैं, आपको जिस टाइप का भी टेस्ट पसंद हो आप उस तरीके के मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। गाइस, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब थी, तो इसलिए इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए, अब हमने इसमें वाटर को ऐड कर लेना है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें वाटर ऐड कर लेंगे। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि जो टेस्ट आपने टेस्ट किया है, जो भी टेस्ट आपको लगेगा इसको बनाने के बाद ही लगेगा वो, तो उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो आपको लगे कि यही मेरी फ्रेंड भी खाए या फिर जो भी रिश्तेदार आपको खाने वाले लगते हैं, मतलब कोई फूडी टाइप के होते हैं, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए गाइस, इस तरीके से अब मैंने इसमें पनीर को ऐड कर लिया है, आप देख सकते हैं। मैंने पनीर को पहले ही कट करके रख लिया था। देखिए, इस तरीके से मैंने पनीर को ऐड कर लिया है। गाइस, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। हांडी में बोलने में तो ऐसा लगता है कि अरे यार, हांडी में कैसे बनेगा, तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। बट ये है कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, आपको गैस की फ्लेम को कम ही रहने देना है। ये अगर आप बनाते जाएंगे तो आपको ऑब्जर्वेशन से पता लग जाएगा कि हाँ, आपको गैस की फ्लेम को क्यों कम करना है, किस तरीके से कुक करना है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, हांडी आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। देखिए, इस तरीके से हमने इसमें सॉल्ट भी ऐड कर लिया है और मैंने लास्ट में इसमें कश्मीरी लाल मिर्च को फिर से ऐड कर लिया है कलर इम्प्रूव करने के लिए, आप देख सकते हैं। देखिए गाइस, अब इसका टेस्ट जो डिफरेंट होगा ना, उसके लिए मैंने यूज किया है घी। देखिए, मैंने इसमें 2 स्पून घी को ऐड कर लिया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। हम लोगों को इतने ही क्वांटिटी की ज़रूरत थी तो हमने इतना ही बनाया, तो आप चाहें तो हांडी को भी बढ़ा सकते हैं। ये 1 kg की हांडी है। देखिए, इस तरीके से अब मैं इसको कवर अप कर लूँगी, आप देख सकते हैं। इसको हमने इस तरीके से एयर टाइट कर लेना है, ये है फॉइल पेपर। मैं इसको कुछ इस तरीके से कर रही हूँ, फिर इसके बाद मैंने इसको ऊपर से इसके कवर से कवर कर लिया है, आप देख सकते हैं।
तो गाइज फिर हमको 5 मिनट तक लगभग गैस की फ्लेम को कम करके इसको कुक करना है, ज़्यादा देर तक नहीं। देखिए अब मैंने गैस की फ्लेम को कम कर लिया है। अब देखेंगे गाइज 5 मिनट के बाद अब हमारा पनीर कुक होके एकदम रेडी है। देखिए आप देख सकते हैं ये लाल मिर्च है और ये पनीर का टेक्सचर इस तरीके से आ चुका है, शाही पनीर का आप देख सकते हैं। बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी है गाइज, ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और घर में ही आपके गांव का स्वाद भी आ जाएगा, तो इसलिए ज़रूर ट्राई कीजिए गाइज। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ऐसे ही मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। देखिए गाइज इस तरीके से अब मैंने इसको सर्व कर लिया है। मैंने साथ में और चीज़ें भी रेडी कर ली थी, मैंने कढ़ी, खीर और साथ में ही सैलेड, और इसको रोटी और चावल के साथ में सर्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।